मुश्किल से भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए वीडियो। बच्चों, सबसे पहले हम एक गीत गाएंगे। आपको भी मेरे साथ ये गीत का गान करना है, ठीक है? तो शुरू करते हैं गीत। एक दो तीन चार, आओ चले गिरनार। पाँच छ सात आठ, सागर तट पर सोमनाथ। नौ दस ग्यारह बारह, कच्छ चले तो आशा पूरा। तेरह चौदह पंद्रह सोलह, बहुचर माँ का मुर्गा बोला। सत्रह अठारह उन्नीस बीस, मामा जी की फोटो खींच, मामा जी की फोटो खींच। तो देखा बच्चों, आपको भी मजा आया होगा, है ना? अब हम अभ्यास दो के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अभ्यास दो, अंकों का अनुलेखन कीजिए। बच्चों, आपके सामने ये स्क्रीन पर एक से नौ तक की गिनती आएगी। आप सबको देखना है कि इसको किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है? सबसे पहले गुजराती, उसके बाद हिंदी। तो आप देखिए, समझिए और अपनी किताब में लिखिए। सबसे पहले एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, ठीक है? तो इसे देखकर आप अपनी किताब में लिखिए। अभ्यास तीन, गिनती क्रम से बोलते जाइए, क्रमानुसार जोड़ते जाइए और देखिए किसका चित्र बनता है। चित्र में मनपसंद रंग भरिए। देखिए बच्चों, यहाँ स्क्रीन पर आपको यह चित्र दिया गया है। आपको ध्यान से देखना है, फिर बारी बारी से क्रमानुसार आपको वो अंक जोड़ते जाना है। फिर बाद में देखिएगा कि यह किसका चित्र तैयार होता है, ठीक है? और आपको उसमें अपने मनपसंद का रंग भी भरना है, ठीक है? तो यह अभ्यास भी आपको अपनी किताब में करना है।
अभ्यास चार के बारे में जानेंगे। अभ्यास चार, पढ़िए, समझिए और बोलिए। बच्चों, यहाँ पे हमें गिनती अंक और शब्द में दी गई है, हम बारी बारी से यहाँ पे बोलेंगे। आपको भी मेरे साथ बोलना है, ठीक है? तो बोलना शुरू करते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस। अब हम मिलेंगे